सुप्रभात, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और आनंद होगा। हाँ करना, इसमें क्या लास्ट टाइम क्या नहीं, नहीं, नहीं। बार बार प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। एक लास्ट बार। हाँ कर। हाँ शानदार हो रहा है, बढ़िया एकदम सही प्रैक्टिस हो रही है बरोबर एकदम। हाँ कितनी देर तक होता देखते हैं एक बार। देखो फिर से दोबारा प्रयास करते हुए वशिष्ठ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कुछ बड़ा सही बात है और वो थे ध्वस्त। मेरे को कि आज अर्जेंट बाहर निकलना है तो फिलहाल मैं ये वीडियो मीशो बना देगा आज। मैं जो लग गए काम में, हमारे यहाँ पे बाउंड्री के काम में 5-6 दिन से फ़ोन करवा रहे थे, आज आ रहा हूँ कल आ रहा हूँ आज आ रहा हूँ कल आ रहा हूँ, करते करते लमसम 5-6 दिन बाद में आएंगे नहीं मैंने तो निकलो हैं क्या क्या जाऊँ यार क्या। तो अब आज का व्लॉग आप लोगों का मेरे साथ बनने वाला है, क्योंकि कारण ये है कि आज मेरे जो छोटे नाना जी है उनकी डेथ हो गई है, तो मेरे मम्मी पापा को अर्जेंट वहाँ जाना पड़ा मम्मी पापा को, तो आज पापा व्लॉग बना सकते नहीं। और पापा क्या होता है कि जहाँ ऐसी जगह जाना पड़ता है जहाँ कोई एक्सपायर हो जाता है तो वहाँ फ़ोन लेके नहीं जाते हैं, ये उनका सिद्धांत है और अच्छा सिद्धांत है। तो आज का व्लॉग आप लोगों का मेरे साथ कंटिन्यू होने वाला है, थोड़ा बुरा तो लग रहा है लेकिन काफ़ी समय से वो पैरलाइज थे, उनका क्या आधी बॉडी पैरलाइज हो गई थी और परेशान हो गए थे वो, सुखी हुए वो भी क्योंकि लगभग 6 साल से वो बिस्तर में थे, ना कुछ पेशाब करना खाना पाना कुछ भी नहीं हो सकता था, ना बोल सकते थे कुछ भी नहीं, और दिन प्रतिदिन उनकी स्थिति घटती गई, खुद भी परेशान हो गए थे, उनकी आत्मा बहुत कह रही लेकिन भगवान ने उन्हें सुखी किया और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, यही प्रार्थना कर सकता हूँ मैं। और बस अब अपन भी आज अभी मैं खाना खा लेता हूँ, फिर आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। तो आज खाने में बना आलू की सब्ज़ी मस्त और अमचूर और रोटी और छाछ एरी तो मैं और जिया तो बैठ गए खाने, चाचा भी बाहर है तो वो भी अभी आ जाएंगे, मम्मी पापा आज बाहर गए हैं तो हम 3 जने नहीं हैं, अभी खा लेते खाना फिर मिलते हैं आपसे। मैं तो खाना खा के निपट गया मस्त, और अभी जिया तो खाना खा ही दी है क्योंकि जिया के थोड़ी दांतों में प्रॉब्लम है तो थोड़ा टाइम लगता है, बुढ़ापा है। जिया कुछ लाऊं आप, क्या कहीं लाऊं आप रे, कहीं काम है तो बताओ, कहीं मार कहीं चाहिए जो कुकर बांधे रख दूँ अटे रख दूँ कुकर दो, आपने मानना थोड़ा नहीं कौन कह रहा आपने मान जो आते हैं मान जो मुँह मान दे हूँ अटे रख रही हूँ कह रहा हूँ सब काम निपट गया। मैं खाना खा के निपट गया और अभी तक चाचा जी आए नहीं खाना खाने, जिया खाना खा रही है। चलो अब बाहर देख के आते हैं कि मजदूरों का क्या काम चल रहा है, बाउंड्री का कैसा काम है। तो चाचा जाओ खाना खा लो, खाणो कर लो, जिया बुले रही है। ये हमारे मिस्त्री जी कड़ी धूप में काम कर रहे हैं, मेहनत है भारी करनी पड़े मेहनत है, खाना है तो करना ही है। ये लोग हैं तभी हमारे घर बनते हैं, बाकी अपन से कहाँ हुए धूप में काम। पहले बाउंड्री कह रहे थे यही तो बाउंड्री बनानी खाली 4 फीट की, फिर मैंने कहा कि 5 फीट की बाउंड्री बनानी जरूरी, क्योंकि क्या है कि अंदर बैठे हो ना कुत्ते कूद के आ जाते हैं अंदर, तो पास में बाउंड्री है वहाँ पे कुत्ते कूद के अंदर आ जाते हैं, छोटी बाउंड्री से थोड़ी ऊँची रहती ना तो सही रहता है। ये मजदूरी में मेहनत ऐसी है, इसमें काम भी होता है और एक्सरसाइज भी हो जाती है,
वैसे ऐसे काम अपन भी कर सकते हैं, जैसे मजदूरी तो नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज़ बता दो, जैसे घर का कोई भी छोटा बड़ा काम हो, कपड़े धोने हो गए, ये हो गए, तो हाथों से करने से क्या होता है, एक्सरसाइज भी हो जाती, काम भी हो जाता है, तो ये चीज़ बेनिफिट रहती है। मैं बता रहा हूँ आपने जिस तरह कि माँ अब ऊपर ईटा चढ़े ही हैं, तो माँ भी चढ़े ही, खाली यूँ मान चलो 10 कट्टा ईटा चढ़ी रहेगा मैं, और पचे मुँह खाली यूँ 2 दिन तक होते ही रहो ढंग, हाथ पग दुखता रहा हमारा। पचे एक आदमी लगा पूरा दिन में सब ईटा चढ़े दी थी, हैबिट वे गया यार, बनी गई वो स्टेमिना डेवलप ही जा। ये वे वाला दल ना गई, वे वाला साफ कर दीदा, ये बांध लेना क्या कचरो मैं आकर घर में जाई जो। हां ले नागरो हां। तो आज ये गाय के क्या करते हैं, ये गेहूं का दलिया बना देते हैं। आज दलिया खत्म हो गया तो थोड़ा ये दलिया पीस देता हूं। तो आज वैसे कट्टा लाना था, तो जब तक कट्टा आएगा पशु आहार का, तब तक एक बार ये गेहूं का दलिया पीस देते हैं, तो उसको पीस के आज वो गला दूंगा खाए के। ये भी सही रहता है वैसे, पौष्टिक ही होता है गेहूं का दलिया, इसमें धान भी मिक्स है। वे भी पीसना भाई, वे नहीं पीसना, नहीं अबार वे साफ करना है। साफ करना, अच्छा ये भी साफ करना, ये भी साफ करना। अच्छा तो आइए पीस दूं। दलिया हो गया यार, बारीक दलिया एकदम बढ़िया आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। हाँ चाय भी मैं ही बना रहा हूँ, क्योंकि चाचा को तो चाय बनाना आती नहीं, और पापा बनाते हैं शाम को, कभी मम्मी बनाती है, तो आज वो ही नहीं, तो आज मेरे को ही बनानी चाय भी। आज 4-5 जनों के चाय बना लेता हूँ, बाकी चाचा जी 2-3 जनों के तो वो बना लेते हैं, अभी 4-5 जने मजदूर भी है तो उनसे बनती नहीं है, थोड़ी थोड़ी आती है मेरे को, काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ, वैसे मैं बनाता नहीं हूँ रोज़, तो आज थोड़ा मेरे से भी चाय बिगड़ती तो नहीं है, लेकिन कम ज़्यादा हो जाती है, तो बनाते हैं। अभी 3 गिलास पानी में पत्ती, पांच चम्मच पत्ती डाल दी, चाय बन गई है, ये 2 जनों की और इसमें 3 जनों की चाय भरी हुई है, लग रहा आज थोड़ी सी चाय कम हो सकती है, लेकिन ठीक है चल जाएगी, अभी दे के आ जाता हूँ सबको। आज तो आटा भी मुझे ही गूंदना है, क्योंकि मम्मी पापा तो आएंगे लेट, और फिर लेट लेट काम चालू करेंगे, क्योंकि थके हुए आएंगे तो और उनको परेशान करना है, इससे अच्छा आटा मैं गूंद देता हूँ और जिया और मैं मिलकर रोटी बना देंगे, तो फिर सब क्या मामला कंप्लीट रहेगा। आटा मैंने ले लिया, इसको गूंदना चालू करते हैं, इसमें डाल दे थोड़ा, आटा मैंने पहले गूंद रखा है और रोटी भी बना रखी थोड़ी बहुत, बस वो हाथ थोड़ा जमा नहीं, बाकी ऐसा कुछ नया नहीं है, आना चाहिए थोड़ा बहुत काम, क्योंकि क्या होता है उससे कि भी जाए और अकेले हो तो कुछ बना के खा सकते हैं। आटा मैंने थोड़ा ज़्यादा गूंद दिया,
खाना हम खाली 5 जनों के खाना है और आटा मतलब 6-7 जनों का खाना, रोटी बने उसमें दिमाग खराब हो गया। पहली पहली बार थोड़ा हो जाती है, वैसे कोई बात नहीं, नाप तोल में थोड़ी मेरा यूँ ही रहता है थोड़ा। आटा गूंथते मेरे को तो लगी गर्मी, मैंने सोचा छत पे चलते हैं, छत पे मस्त हवा चल रही है। आज क्या मौसम भी थोड़ा अच्छा हो गया, बिल्कुल हल्की हल्की मस्त हवा चल रही है, ठंडी ठंडी। आज बादल होने लग गए, देखो ये पीछे आपको दिख रहा होगा, पीछे मतलब इसमें आ तो नहीं रहा लेकिन सूरज भगवान बिल्कुल बादलों के पीछे छुप गए हैं। आज मस्त लग रहा है एकदम, छत पे आते एकदम रिलीफ हो गया। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, नीचे तो इतनी भारी गर्मी लग रही है ना, गर्मी भी खतरनाक पड़ रही है। इस बार कुदरत का कहर इंसानों पे। आपको भी लास्ट में एक व्यू दिखा देता हूँ आज। लगभग 8:30 बजे घर पे पहुँचा हूँ मैं, थकान भी हो गई है लेकिन वीडियो को एंडिंग भी करना है क्योंकि आज का पूरा व्लॉग विशु ने बनाया और ये बाउंड्री का काम चल रहा है वो भी इन्होंने, विशु ने न निर्मल ने देखा, पूरा काम इन्होंने देखा, ध्यान इन्होंने रखा है। तो मैं तो केवल इस व्लॉग को एंडिंग कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है। तो फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पर विराम देते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ में लगे हुए बेल आइकन के घंटे को भी दबा देना ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। बाकी आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जीवन का आनंद लेते रहे, सदा मुस्कुराते रहे, कीप स्माइलिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।